So hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज एक आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करने वाला हूँ. पेशेंट हमारे पास आए इस तकलीफ से कि डॉक्टर साहब आंखों से पानी निकलना बंद नहीं हो रहा, और मैं कम से कम 20 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, आंखों के डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, 100 तरह की ड्रॉप्स डाल चुका हूँ, गोलियाँ खा चुका हूँ, जेल डाल चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन ये पानी निकलना आँख से बंद नहीं हो रहा. तो मैं थोड़ा सा आज आपको समझाना चाहता हूँ कि आँख में ये पानी निकलने की प्रॉब्लम होती क्यों है, और हमारे पेशेंट में ऐसी क्या प्रॉब्लम निकल गई कि वो 20 डॉक्टर से मिल लिए, 100 तरह की दवाइयाँ डाल ली, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ. देखिए, ऊपर वाले ने ना हमारी आँखों में पानी का एक सिस्टम बनाया है. क्या सिस्टम है कि हमारी आंख में एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड. ये ग्लैंड आंखों में आंसू बनाता है, और ये आंसू आंख को गीला करते हुए दो नलियों से नाक से होते हुए गले में निकल जाते हैं. तो कंटिन्यूसली पानी बनता रहता है, कंटिन्यूसली पानी निकलता रहता है, आंखें हमारी गीली रहती हैं और हम फ्रेश रहते हैं, पानी बाहर नहीं निकलता. अब मान लीजिए कोई ऐसा कारण हो जाए कि ज़्यादा पानी बनना शुरू हो गया, या कम पानी आंख से निकल रहा है, तो ये आंसू आंख में इकट्ठे हो जाते हैं, ये पानी आंख में इकट्ठा हो जाता है और ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है. तो जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है पानी निकलने की प्रॉब्लम से लेके, तो सबसे पहले हम उस पेशेंट का ये वाले सिस्टम को चेक करते हैं कि भाई क्या पानी निकलने का रास्ता या पानी निकलने की जो नालियां हैं जो आंख से निकलती हैं, क्या वो पूरी तरह से खुली हुई हैं. इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है सिरिंजिंग. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस छेद से पानी डालते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि पानी गले में आ गया, तो अगर ये रास्ता पूरा खुला हुआ है तो पानी यहाँ से होते हुए पेशेंट के गले में आ जाता है और हमें पता लग जाता है कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है. फिर हम नीचे की नली से पानी डालते हैं और हम पेशेंट से पूछते हैं गले में पानी आया, तो अगर ये रास्ता बिल्कुल ठीक है तो गले में दोबारा पेशेंट के पानी आ जाता है और हमें पता लग जाता है कि ऊपर की नाली भी ठीक है, नीचे की नाली भी ठीक है. मान लीजिए इसमें कोई ब्लॉकेज हो, मान लीजिए ऐसा होता है कि ये नली ब्लॉक्ड है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा, हमने यहाँ से पानी डाला, ये पानी जाएगा और यहीं से वापस आ जाएगा, पेशेंट के गले में नहीं पहुँचेगा. तो अगर यहाँ से पानी डाला और यहीं से वापस आ गया, मतलब यहाँ पे कहीं बंद है. मान लो कहीं और बंद है, मान लो यहाँ बंद हो गया, तो हम यहाँ से पानी डालते हैं, वो पानी ऐसे जाएगा और यहाँ से निकल के वापस आ जाएगा, तो हमें समझ आ जाता है कि भाई पानी गले में नहीं पहुँचा, ऊपर से डाला नीचे से निकल गया, तो यहाँ पे ब्लॉकेज है. ऐसे इस टेस्ट से हम ये पता कर लेते हैं कि किस लेवल पे नली ब्लॉक्ड है. अब जो हमारे पेशेंट थे उनकी ये नली जो थी ये बिल्कुल बढ़िया थी, दोनों साइड से पानी डाला, दोनों साइड से गले में आ गया, तो हम समझ गए कि ये हिस्सा तो बिल्कुल नॉर्मल है. फिर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंख ज़्यादा पानी बना रही है, तो वो हम पेशेंट को सारा हमने चेक करा, एक एक चीज़ पेशेंट की हिस्ट्री ली, दवाइयों की हिस्ट्री ली, लाइफस्टाइल की हिस्ट्री ली, और ये भी समझ आ गया कि यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब पानी भी नॉर्मल बन रहा है और निकलने का रास्ता भी खुला हुआ है. तो फिर पेशेंट की आँख में कंटिन्यूस पानी बाहर क्यों निकलते रहता है, दोनों सिस्टम तो बिल्कुल नॉर्मल है. देखिए, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिनाइल एक्ट्रोपियन. इसमें क्या होता है कि ये जो पानी निकलने का रास्ता है, ये जो छेद है, इस छेद को अगर आंख से पानी खींच के निकालना है तो इस छेद को आंखों से चिपका रहना बहुत ज़रूरी है.
अगर ये आंख से चिपका नहीं रहेगा तो पानी बन गया, इकट्ठा हो गया, लेकिन वो छेद वहां पे चिपका नहीं हुआ तो वो पानी निकालता नहीं है। तो अब जो हमारे पेशेंट थे उनका क्या हुआ, ओल्ड एज की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से आंखों की जो पलकों की मसल्स हैं वो ढीली पड़ गई और उन ढीलेपन की वजह से वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गई और ये जो छेद है ये आंखों से चिपका नहीं रहा, तो पानी तो बना लेकिन छेद वहाँ पे चिपका ही नहीं हुआ तो वो बाहर नहीं निकाल रहा, तो पेशेंट का सारा पानी आंख से बाहर निकल रहा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, उसको हम लोग कहते हैं लेक्राइमल पंप। इसमें क्या होता है कि जब हम आंख को झपकते हैं तो ये छेद एक पंप की तरह काम करते हैं, पानी को खींच के निकालते हैं। तो आंख की पलक ढीली हो गई उम्र की वजह से, तो ये पंप भी काम करना खराब हो गया और ये छेद भी अब आंख में चिपका नहीं हुआ, तो पानी बना, पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ लेकिन छेद तो चिपका नहीं हुआ तो वो उसको निकाल नहीं पा रहा। तो पानी बन रहा है लेकिन वो निकल पा नहीं रहा, ये सिस्टम ठीक है लेकिन यही नहीं चिपका हुआ तो वो निकल नहीं पा रहा, तो पानी आंख के अंदर इकट्ठा हो रहा हमारे पेशेंट के और वो सारा बाहर गिर रहा है। तो अब इस पेशेंट का ऑपरेशन हमारे ऑक्यूप्लास्टी के जो हेड है हॉस्पिटल में डॉक्टर रुचि गोयल ने कराए और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हमने लिड की टाइटनिंग करी और इस छेद को आंख से वापस चिपकाया कि ये सिस्टम दोबारा पूरा काम करना शुरू हो जाए और पेशेंट की पानी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने ऑपरेशन करा कैसे। आई एम डॉक्टर रुचि गोयल, आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड I7 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेडिंग द ऑक्यूप्लास्टी हियर। और मेरे पास ये एक मरीज है जिनको कंटिन्यूसली आँख से पानी आ रहा है दोनों आँखों से, और ये इसका कारण ये है कि उम्र के साथ साथ कई बार हमारी जो है ये पलकें जो हैं लूज़ हो जाती हैं, तो आँसू बनते हैं, यहाँ ग्लैंड रहता है और आँसू हमारे ड्रेन होते हैं नाक के अंदर। तो जब ये हमारी पलकें लूज़ हो जाती हैं तो हमारा पंप जो कहते हैं लैक्रिमल पंप, वो जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो उससे क्या होता है पानी बजाय पंखटा में जाने के बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो हम इस वक्त इनकी दोनों आँख में क्या करेंगे कि हम इनको इसको टाइट करेंगे जिससे कि ये लूज़ कम हो जाए, और साथ में जो इनका फंक्टम बाहर की तरफ मुड़ गया, जैसे आप सोचिए कोई नाली बह रही है तो उसका मुंह बाहर की तरफ हो जाता है, उसको अंदर की तरफ करेंगे। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं लेटरल टार्सल स्ट्रिप विद मीडियल कंजंक्टिवोप्लास्टी, और ये प्रोसीजर हम दोनों आँख का एक साथ करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं ये प्रोसीजर कैसे किया जाए। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही। दिस इज मिस्टर अल्फोंसो जॉन, ही केम टू मी विद द कंप्लेंट्स ऑफ वाटरिंग बोथ आईज। अब कैसा फील कर रहे हैं? अभी हमको बहुत अच्छा लगा। सो ही हैज नाउ इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली एंड दिस प्रोसीजर इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसीजर टू डू एंड पेशेंट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। नाउ द पेशेंट नीड नॉट कम बैक फॉर एनी मोर फॉलोअप्स अंटिल ऑफ कोर्स ही हैज एनी प्रॉब्लम। मैं अपने फादर को लेकर चेन्नई गया था, तो मैंने एक दो हॉस्पिटल वहाँ पर दिखाया है, तो वहाँ का ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जन जो भी देखते हैं वो बस देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उनका कोई सोल्यूशन मिला नहीं वहाँ पर। तो फिर फादर ने वीडियो देखा यहाँ का, तो बोल रहे थे कि यहाँ पर एक बार दिखाते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया। प्रोसेस भी बहुत ईजी था, ऐसा नहीं कि हमको काफ़ी घंटे घंटे वेट करना पड़ा डॉक्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने ठीक से समझाया कि ऑपरेशन कैसा होगा, प्रोसीजर कैसा होगा। तो फाइनली हम सबको भी मतलब एक रिलैक्सेशन मिला कि फाइनली मतलब कहीं पे तो कुछ मतलब इलाज इसका मतलब ठीक से हुआ है, जो मेन इशू वो बंद हो गया। और लाइक बहुत थैंकफुल है हम लोग इस हॉस्पिटल और इन डॉक्टर्स के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा से ट्रीटमेंट दिया। I7 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है सभी अच्छे हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, कोई मुझे तकलीफ होने नहीं दी। डॉक्टर राहिल चौधरी को और डॉक्टर रुचि मैडम को मेरा तरफ से बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ।